हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया फैशन। मैं हूँ श्रेया। आई होप कि सब बहुत अच्छे हो। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 21 दिन तक जो है हमारा देश को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन इसका जो असर है फ्यूचर में सभी को बहुत अच्छा होगा, सभी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। इसलिए सभी को ये मानना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, और हम लोग भी घर में रह रहे हैं और गर्मियों का सीजन है, घर में भी है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जूस हो जाए, रिफ्रेशमेंट वाटर हो जाए, तो क्या बात। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, और क्योंकि घर में है सभी लोग, तो थोड़ा बहुत अच्छा कुछ खाने का हो जाए या फिर अच्छा कोई ड्रिंक बन जाए, तो घर में रहना बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत बार इसको बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोग भी घर में बनाइए और बिल्कुल मुझे लगता है अच्छा लगेगा। तो अभी जो है मैं बनाऊंगी वाटरमेलन जूस, जो कि बंगाल में तो कहते हैं तरमूज, आई थिंक हिंदी में भी तरमूज कहते हैं। तो वाटरमेलन मुझे तो हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश में वाटरमेलन ही कहते हैं, जो कि है ये है। तो ये वाटरमेलन के मैं जूस बनाऊंगी, तो जो आधा देख रहे हैं आप, और इसमें भी बहुत ज्यादा जूस हो जाएगा, और जो आधा है वो मैं खा चुके, हम लोग खा चुके हैं, मतलब जूस बना के खा चुके हैं, तो आज मैं इतना सा ही है, तो मैं इतना सा ही बनाऊंगी। तो आप सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मैं फर्स्ट दिखाऊंगी कि वाटरमेलन जूस के लिए क्या क्या लगेगा, तो चलिए दिखाती हूँ। फर्स्ट जो ये वाटरमेलन है इसको मिडिल से हम लोग कट कर लेंगे। फिर इसको जो व्हाइट वाला पार्ट है इससे हम लोग अलग कर लेंगे। हो गया अलग। इसको भी अलग कर लेंगे। जब भी आप लोग वाटरमेलन खरीदे, अगर घर में आकर देखे कि वाटरमेलन बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, तब ये जूस बनाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले। से दीजिए कि वाटरमेलन थोड़ा सा चेक कर लीजिए कितना मीठा है, उसके हिसाब से आप शक्कर दीजिए, और जूस थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है। बाद मैं दे दूंगी एक नींबू, जो थोड़ा सा ही मैं दूंगी, इससे थोड़ा सा खटास वाली जो स्वाद है वो आएगा। अभी मैं इसमें दे दूंगी ब्लैक सॉल्ट, काली नमक थोड़ा सा, फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये हो गया ब्लेंड। अभी जो हम लोगों को चाहिए वो है एक पॉट चाहिए, एक छन्नी चाहिए, और एक जो है चम्मच चाहिए, तो क्योंकि इसको छांकना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटरमेलन की सीड्स था उसको साथ ही मैंने ब्लेंड किया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देकर जो है चम्मच को थोड़ा सा घुमाते रहना होगा, ताकि
जल्दी ही जो है जूस निकल जाए। वाटरमेलन जूस जो पीने में बहुत टेस्टी होगा, और मैं सजेस्ट करूंगी ये बनाने के बाद ना आप लोग थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, तो और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो और भी ज्यादा टेस्टी होगा और भी ज्यादा अच्छे लगेगा पीने में। तो जरूर घर पे ये ट्राई कीजिए और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए बनाने के बाद। और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो जरूर मेरे वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये अच्छा लगा ना तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और बहुत अच्छा रहिए, और देखते रहिए मेरे वीडियोस। बाय बाय।